हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रानी फूड्स एंड ब्लॉग्स में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राखी का त्यौहार है फ्रेंड्स, तो त्यौहार तो कोई भी हो, सभी में मिठाइयाँ और स्नैक्स तो बनते ही बनते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही टेस्टी स्नैक की रेसिपी, बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। ये हम बहुत सारी सब्जियों के साथ बनाएंगे। तो आज हम बनाएंगे पोटैटो कॉर्न ब्रेड रोल्स। पोटैटो कॉर्न ब्रेड रोल्स बनाने के लिए हमें चाहिए ये 6 आलू। इनको मैंने उबाल कर अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है और अब हम इसको बिल्कुल अच्छी तरह से मैश कर लेंगे, इसमें कोई लम्स नहीं रहना चाहिए। अब हम लेंगे एक मिक्सिंग जार और इसमें डालेंगे थोड़े से कॉर्न। ये फ्रोज़न कॉर्न है, अगर आपके पास नॉर्मल या कच्चे वाले जो होते हैं वो हों तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसको हम बिल्कुल दरदरा सा पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक नहीं करना। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से हमें दरदरा से इसको पीस लिया है। अब हम लेंगे 5 से 6 ब्रेड और इनको हम एक बड़े से बर्तन में, डीप बर्तन में निकाल लेंगे और इस तरह से तोड़ते हुए इसके अंदर डाल लेंगे इसको। अगर आपके पास ब्रेड क्रम रखा है तो आप ब्रेड क्रम भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। बस रफली रफली सा ही इसी तरह से तोड़कर हम इसमें डाल लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के ब्रेड को सोक कर लेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाइए। आप पानी की जगह दूध भी डाल सकते हैं और इसको अच्छी तरह से सॉक होने देते हैं और सॉफ्ट हो जाएंगी हमारी ब्रेड्स। तो तब तक हम अपनी बाकी की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए लेते हैं कढ़ाई और इसमें मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लिया है। इसमें डालूँगी मैं सरसों के दाने, थोड़ा सा कड़ी पत्ता और एक बारीक कटा हुआ प्याज मैं इसमें डालूँगी मीडियम साइज़ का। और इसको हल्का सा हम सौते कर लेंगे हाई फ्लेम पर, ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा सौते करना है। इसी के साथ इसमें डाल देंगे हम बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। आप इसमें अपनी पसंद की सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं, गाजर, अगर आपके पास मटर है तो मटर भी आप डाल सकते हैं इसके अंदर, ग्रीन चिली। और हाई फ्लेम पर इसको अच्छे से हम भून लेते हैं। इसमें डालेंगे हम जो कॉर्न हमने दरदरा दरदरा सा पीसा था ना, वो कॉर्न भी हम इस स्टेज पर डाल देंगे और इसको भी सब्जियों के साथ अच्छी तरह से हम भून लेंगे। गैस को मैंने हाई फ्लेम पर ही रखा हुआ है, गैस सिम नहीं किया मैंने। और अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर, अगर आपके पास कुटी हुई लाल मिर्च है तो आप कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा धनिया पाउडर। और अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच ऑर्गेनो हर्ब और इन सबको अच्छी तरह से हम मसाले में भून लेते हैं। और इसी के साथ डाल देंगे अपने आलू जो हमने मैश करके रखे थे और इसे भी अच्छी तरह से हम अपने मसालों में मिक्स कर लेते हैं। और हमारा टेस्टी सा आलू का मसाला बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। और अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, आपके पास अगर हरी प्याज है तो आप हरी प्याज भी इसमें डाल सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसका भी। तो इन सबको अच्छी तरह से कर लेते हैं मिक्स और हमारा आलू का मसाला बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। कर देते हैं बंद और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। और अब हम अपने ब्रेड चेक कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं ब्रेड हमारे। तो इसको हम थोड़ा सा इस तरह से मसलते हुए एक डो की तरह हम इसको लगा लेंगे। अगर आपको लगता है कि आपसे पानी थोड़ा सा ज़्यादा डल गया है ब्रेड में तो आप इसमें 2 ब्रेड और ऐड कर सकते हैं और हमें इसको एक आटे की शेप में इसको लेके आना है। देखिए इस तरह से ये बिल्कुल अच्छी तरह से मैश हो गई है हमारी ब्रेड। और इधर हमारा आलू का मिक्सचर भी ठंडा हो गया है, ये देखिए हम इसको हाथ लगा पा रहे हैं, तो ऐसा ही चाहिए हमें। तो इसमें डालूँगी मैं 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर, मैदा या फिर चावल का आटा, तीनों चीज़ों में से आप कोई भी इसमें चीज़ डाल सकते हैं। और जो हमने ब्रेड बनाया था वो ब्रेड भी हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इन सबको आपस में मिक्स कर लेंगे, गूँथ लेंगे इसको बिल्कुल अच्छी तरह से आपस में। और ये देखिए हमारा मिक्सचर जो है बिल्कुल अच्छी तरह से बन गया है और ये देखिए बाइंड हो रहा है अच्छी तरह से। तो इसे आप किसी भी शेप में आप बना सकते हैं। तो इस तरह से ये देखिए बन रहा है एकदम से, बिल्कुल परफेक्ट हमारा आलू का मसाला बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको लगता है कि आपके मसाले में मॉइस्चर है तो आप इसमें थोड़ा सा ब्रेड क्रम या फिर कॉर्नफ्लावर इसमें ऐड कर सकते हैं। अब ले लेते हैं एक ट्रे और अपना आलू का मसाला। तो इन
को इस तरह से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेते हुए हम इस तरह से थोड़ा सिलेंडर की शेप में मैं बनाऊंगी इनको। आप चाहें तो अपनी पसंद से किसी भी शेप में बना सकते हैं। आप इसकी ओवल शेप दे सकते हैं या फिर टिक्की शेप में भी इसको बना सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से रोल शेप में बनाऊंगी। ये देखिए हमारा एक रोल जो है बनकर तैयार हो गया। तो सभी को मैं इसी तरह से बनाकर तैयार कर लूँगी। हम एक साथ सारे बनाकर रख लेंगे और उसके बाद एक साथ इसको हम फ्राई कर लेंगे। आपको मैं एक तरीका और बताती हूँ कि आप आलू का थोड़ा सा बड़ा सा पोर्शन लें और इस तरह से ट्रे के ऊपर रख लीजिए और इस तरह से थोड़ा सा हाथों से प्रेस करते हुए इसको पूरा फैला लीजिए और साइडों से नाइफ से या चाकू से इस तरह से प्रेस करते हुए इसको शेप दे देंगे। और फिर इस तरह से आप लंबी लंबी इसकी स्ट्रिप्स जो है वो काट सकते हैं। इससे भी काम बहुत जल्दी और आसान हो जाता है और आप इस शेप में भी इस स्नैक को बनाकर तैयार कर सकते हैं। और अब बीच में से इस तरह से निकाल लेंगे। ये देखिए कितना आसान है, एक साथ हमारी कितने सारी ब्रेड रोल्स बनकर तैयार हो गए। इस तरह से शीट निकालेंगे और इसको फाइनल लुक दे देंगे इसे हाथों से इस तरह प्रेस करते हुए। तो ये देखिए आप इस तरह से भी रेडी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से ही बनाकर तैयार करूँगी अपने सारे रोल्स। ये लीजिए हमारे सारे रोल्स जो हैं बनकर बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब हम लेंगे एक मिक्सिंग बाउल और उसमें डालेंगे 1 कटोरी मैदा। थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी ऑर्गेनो हर्ब्स, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स या फिर रेड चिली पाउडर, और इन सबको पानी डालकर हम एक पतला सा घोल बनाएंगे। पहले थोड़ा थोड़ा पानी डालें, उसके बाद इसको थोड़ा थोड़ा करके हम बिल्कुल पतला सा घोल बनाएंगे। हमें इसका कोई थिक बैटर नहीं चाहिए, बिल्कुल पतला सा चाहिए। तो देखिए इस तरह से हमने इस अच्छी तरह से मिला लिया और हमारा पतला सा घोल बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए इतना पतला हमें अपना घोल चाहिए मैदे का। अब ले लेते हैं हमारे ब्रेड रोल्स जो हमने बना कर रख लिए। घोल ले लेंगे मैदे का और साथ ही हम ब्रेड क्रम्ब लेंगे और इस तरह से एक एक पीस उठाते हुए हम अपने मैदे के घोल में डालेंगे और इस तरह से ब्रेड रोल में रोल कर लेंगे इसको अच्छी तरह से। ये देखिए हमारा ब्रेड रोल जो है बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। इसी तरह हम बाकी रोल्स को भी हम इसी तरह से मैदे में डिप करेंगे और फिर क्रम लगाकर इस तरह से रेडी कर लेंगे। मैदे का जो घोल है वो बिल्कुल पतला होना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा नहीं, जैसा आपको दिखने में भी लग रहा होगा कि मैंने कितना पतला रखा है, क्योंकि हमें मैदे की ज़्यादा मोटी कोटिंग नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ब्रेड क्रम को चिपकाना है, इसीलिए हम पतला घोल लेंगे। तो ये देखिए मैंने सबको इस तरह से ब्रेड क्रम लगा के रेडी कर लिया है और अब ये फ्राई करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर आपको ये अभी फ्राई नहीं करने तो आप इसे फ्रीज़र में स्टोर करके रख सकते हैं 4 से 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, और उसके बाद इसको आपका जब मन करे इसको निकाल कर आप फ्राई कर सकते हैं। जब मैं ब्रेड क्रम कोट कर रही थी ब्रेड रोल्स पर, तभी मैंने ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए और ये गर्म हो गया है। और एक एक करके हम इस तरह से सारे ब्रेड रोल्स को हम इसमें फ्राई कर लेंगे मीडियम लो फ्लेम पर। पहले एक साइड से हल्का हल्का सा इनको सिकने देते हैं, उसके बाद हम इसको पलट कर दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। ये एक साइड से हो गए हैं थोड़े से, ये देखिए सिक गए हैं, तो इसको हम पलट देते हैं। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है। तो इसी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इसको पलट देते हैं एक साइड से। ये देखिए बाइंडिंग बिल्कुल अच्छी सी हुई है और हमारे ब्रेड रोल्स बिल्कुल परफेक्ट बन रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। कितना बेहतरीन और प्यारा सा हमारा गोल्डन कलर आ गया है इनके ऊपर। बस इससे ज़्यादा और हम इसको फ्राई नहीं करेंगे, निकाल लेते हैं अपनी एक प्लेट में। और हमारा क्रिस्प करारा पोटैटो कॉर्न ब्रेड रोल बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। इसी तरह हम बाकी के रोल्स भी हम फ्राई कर लेंगे। तो ये भी हमारे फ्राई हो गए हैं, इन्हें भी हम निकाल लेंगे। इस तरह के स्नैक्स जब बनते हैं तो घर में बहुत ही अच्छी खुशबू फैल जाती है, जो कि इस वक्त मेरे घर में फैली हुई है। सो फ्रेंड्स, ये लीजिए हमारे क्रिस्प करारे पोटैटो कॉर्न ब्रेड रोल्स बनकर बिल्कुल रेडी हैं। इसे बनाइए, खाइए और त्योहारों के मज़े को और दुगना कर दीजिए।
सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।